चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। मैं भारती सर, पटना बिहार से। तो आज पढ़ेंगे 12th क्लास का जो आपका हिस्ट्री है उसके चैप्टर 4, जिस चैप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। तो NCERT के इस कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाए तो आपको पिछले वीडियो लेक्चर्स के कुछ बातें ध्यान में होना जरूरी है। जो नए बच्चे आते हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 को फॉलो करें, हमेशा वो प्लेलिस्ट को फॉलो करें और प्लेलिस्ट में जो पार्ट 1 पार्ट 2 का जो वीडियो है वैसे वो देखते आएंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगे। ये नहीं कि आज नया वीडियो आया है इसको देख लेंगे फिर आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आएगा। तो चलिए, पिछले वीडियो क्लास में हम आपको क्या पढ़ाए थे, तो इसमें हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म ग्रंथ के बारे में। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ है जिसमें त्रिपिटक की हम चर्चा पिछले वीडियो क्लास में किए थे कि त्रिपिटक में जैसे पहले पिटक जिसका नाम सुप्त पिटक है, दूसरे पिटक जिसका नाम है विनय पिटक और तीसरे पिटक जिसका नाम है अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की रचना के बारे में आपको हम बताए थे कि बुद्ध भगवान के जब महापरिनिर्वाण हुआ यानी मृत्यु हुआ तो उसके लगभग 3 महीने के आसपास की बातें हैं। अजातशत्रु मगध का राजा था और उन्हीं के समय में पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। पहली बौद्ध संगीति के आयोजन के दौरान याद रखेंगे कि 2 पिटकों की रचना हुई थी। एक पिटक का नाम था, सबसे पहले पिटक जिसका नाम है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया है और मुख्य रूप से जो क्रेडिट होता है वो आनंद को जाता है। इसके अलावा उपाली जो है वो बताते हैं कि किस तरह से मठों में रहने के, संघों में रहने के रूल रेगुलेशन होते थे बुद्ध के समय काल में। तो उसमें क्या था कि जो दूसरे विनय पिटक की रचना हुआ था जिसमें खास करके मुख्य रूप से अगर क्रेडिट देखे तो उपाली को जाता है, तो उसमें देखे थे कि संघों में मठों में रहने का जो नियम था उसके बारे में जिक्र। और तीसरे पिटक की जो रचना होती है वो जा करके कब होती है, तो तीसरे पिटक की जो रचनाएं होती है जब अशोक बौद्ध संगीति कराता है, तीसरी बौद्ध संगीति। इससे पहले आगे जब फिर पढ़ाएंगे हम आपको बौद्ध में तो एक कड़ी जोड़ के पढ़ाएंगे कि जब दूसरे बौद्ध संगीति का आयोजन होता है, पहले आपको हम बताए थे जब शिशुनाग वंश आपको पढ़ा रहे थे तब उसमें एक राजा जिसका नाम है कालाशोक, और कालाशोक में बताए थे शिशुनाग वंश का राजा है शिशुनाग, नाग लेगा डस, समझ रहे बात ना, तो नाग केकरा डसेगा, साली के तब वैशाली के, वैशाली उस समय राजधानी थी। और ये ध्यान रखेंगे उस समय जो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन होता है तो बौद्ध धर्म में मतभेद होता है और कुछ मतभेद ऐसे होते हैं कि भाई ये बौद्ध धर्म 2 गुट में बढ़ जाते हैं, एक पूर्वी गुट कहलाता और एक पश्चिमी गुट। इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, महासंघिक कौन है, थेरवादी कौन है, और आपको बुक में पहले भी हम महाभारत में थेरी महिलाओं के बारे में पढ़ाए हैं जो कथा उठा, ये सब लिंक होगा। तो थोड़ा सा हम लोग डीप चल रहे हैं NCERT के हिसाब से, मजा आएगा, पढ़ने में आनंद भी आएगा, आपको यहाँ बोर फील नहीं हो सकता है, केवल आप इच्छा जाए करेगा। चलिए आप अपने एनर्जी को डबल कर लीजिए और बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। देखिए कई बच्चे का सवाल ऐसे आते हैं कि जिससे हमारा दिल ही टूट जाता है। कई लोग कमेंट करते हैं कि सर एक बात बोले आपसे नहीं हो पाएगा, आप केवल ऑब्जेक्टिव करा दो। अब बताइए किस हिसाब से, किस लहजे से वो सोचते हैं कि ऑब्जेक्टिव। हम ये चैनल खोले हैं कि गरीब से गरीब बच्चों को भी अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके। NCERT जो अपने आप में हार्ड है, हर वो टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं इसको, और पढ़ाते भी हैं तो थोड़ा उसको भागना पड़ता है या तो लाइन बाय लाइन पढ़ के छोड़ देते हैं। इसको पढ़ना और जहन में उतारना बड़ा मुश्किल का काम है, ये ध्यान सुनेंगे, आगे इस पे हम बातें करेंगे। लेकिन हम उनको छोटी मोटी राय दे कि जो लोग ऐसा चाहते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव करा लूं, तो सर हम क्या करा सकते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए 100 रुपया में, 150 रुपया में एक गाइड आता है जिसमें 5 सब्जेक्ट उसमें आपका ऐड होता है और 5 सब्जेक्ट का खूब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ कुछ में दे रहता है। तो 100-150 रुपया में घर बैठ के टिक लगा लगा के आप रट जाइए, सबसे बढ़िया तो वो है, क्यों चैनल पर आइएगा अपना डेटा खर्चा करिएगा। तो बस जो जिसका जो उद्देश्य है वो अपने हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से थोड़ी थोड़ी जो बातें उसमें बदलाव नहीं हो सकती। हाँ क्वालिटी में कहो कि आप पढ़ाने में कि सर और पढ़ाइए, और चीजें जो होते हैं ना वो थोड़ा सा विलंब हो जाता है, तो इसमें हम बहसबाजी नहीं करना चाहते। चलिए आज के क्लास को अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले NCERT के आगे की आज बात देखें तो नियतिवादी और भौतिकीवादी, ये बात सामने के लिए मिलता है। जिनके पास भाग 1 का ये बुक होगा NCERT हिस्ट्री का, तो वो पेज नंबर निकाल सकते हैं, एक मिनट, पेज नंबर वो निकालेंगे 87 पेज नंबर। जैसे निकालेंगे तो टाइटल मिल जाएगा नियतिवादी और भौतिकीवादी। अब सबसे पहले हम आपको यहाँ पे 2 वर्ड समझा ले कि क्या होता है नियतिवादी और क्या होता है भौतिकीवादी, तब आपको समझ में आएगा।
देखिए इसमें अगर बात कर ले तो एक संप्रदाय होता है जिसको कहते हैं आजीवक संप्रदाय, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक है जिनका नाम है मखली गोसाल। ये सवाल आ सकता है आपको आजीवक संप्रदाय के बारे में हमेशा जानने के लिए मिलेगा। जैसे हम आपको वहां पढ़ाए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे उनका अपना बेटा एक जिसका नाम है बिंदुसार, और बिंदुसार के बारे में शायद आपको हम बताए होंगे कि वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। खुद उनके पिता चंद्रगुप्त के बारे में बात कर ले तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन संप्रदाय वाले से संबंधित है, और उनके पुत्र जो है आपका ये ध्यान रखेंगे अशोक से पहले जिनका नाम बिंदुसार है वो क्यों कौन से संप्रदाय से है, तो वो आजीवक संप्रदाय से। और जब अशोक आएंगे तो वो बौद्ध धर्म में चले जाएंगे। तो ये ध्यान से सुनेंगे, और पिछले वीडियो क्लास में तो बताए थे कि हम लोग तो एक दो संप्रदाय के बारे में जानते हैं, लेकिन 64 संप्रदायों का जो जिक्र है वो कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि प्राचीन काल में थे। उसी संप्रदाय में से एक दो संप्रदाय की आज बात करते हैं, जिसमें एक संप्रदाय जिसको कहते हैं आजीवक, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो मखली गोसाल है। इनके बारे में आज चलेगा कहानी कि किस विचार पर ये स्थापित है। और सब लोग चाहे वो महावीर हैं, चाहे बुद्ध हैं, चाहे मखली गोसाल हैं, चाहे अजीत के स्कम्बलिन हैं, ये सबके सब एक शिक्षक हैं जो सांसारिक व्यवस्था को समझे और लोगों को जगह जगह जाकर के अपने विचार रखे, तर्क वितर्क किए, उपदेश देते थे, जो कि पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। यानी ये सब एक टीचर के रूप में है, एक शिक्षक की तरह है, ये ध्यान रखेंगे। एक अगर हम भौतिकीवादी को समझे तो इनकी विचार को आप समझेंगे तो आप भौतिकवादी को समझ सकते हैं। इनका नाम है अजीत के स्कम्बलिन, हालांकि ये कोई संप्रदाय के संस्थापक नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, लेकिन इनके भी भाई विचार है, और ये इनके जो विचार आएगा वो हो जाएगा भौतिकीवादी को। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप दो ऐसे व्यक्ति के मुखों से सुने होंगे कि कई कई कोई कहता है कि खाने खाने वाले में लिखा है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ध्यान से सुनेंगे, माने अगर आज हम अनाज खा रहे हैं तो कई लोग कहेगा कि ये अनाज आप ही के मुंह में जाना था, ये लिखल है पहले से। मैंने सब लोग जो कह रहे हैं कि नियति में जो लिखा हुआ है वही हो रहा है। जैसे हम एक जगह पे भगवान के साथ में तर्क वितर्क की जब बातें हो रही थी तो वहां हम थे, तो एक आदमी से जब हम बात कर रहे थे तो वो आदमी तो एक अक्षर पढ़ा नहीं था, लेकिन भगवान में उसकी इतनी आस्था थी कि हम जब बात तर्क वितर्क कर रहे थे तो वो तो समझ नहीं पा रहे थे। और एक बात हम आपको भी देते हैं कि देखिए अभी लेसन 3 पढ़िएगा, लेसन 4 पढ़िएगा, लेसन 4 कंप्लीट होते होते आप अगर सही में एनसीईआरटी के भाव से पढ़िएगा, अपनी विचारधारा लेके थोप के नहीं पढ़िएगा, तो आपको हम पक्का दावा करते हैं कि आपको ईश्वर से बात भरोसा जो है वो उठ जाएगा। माने ईश्वर माने वो ईश्वर नहीं कि जो ब्रह्मांड को किसी ने तो बनाया होगा, उस ईश्वर जिसमें हम लोग वर्गीकरण किए, अलग अलग नाम दिए हैं, दुर्गा काली शंकर गणेश ये सब, कि ये सब तो नहीं होते हैं, राम सीता ये सब तो नहीं होगा, ये सब तो काल्पनिक चीजें हैं। लेकिन इन सभी मुद्दे के ऊपर में किसी से आप बहसबाजी नहीं करिएगा, चूंकि यहां पे 100 में 99 में से ज्यादा बकाल आदमी है जिसको भारतीय समय काल के कोई जानकारी नहीं है। तो आप किनसे तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो जो आदमी कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा लिया हो और उसके पास अच्छी जानकारी है, भारतीय इतिहास की जानकारी उसके पास है, मतलब वो जानता है कि वैदिक समाज का टाइम पीरियड क्या है, कब से कब चला है, मौर्य काल कब आए, कौन कौन राजा है, इन सब कम से कम उसके पास ज्ञान होना चाहिए, और आपके पास अच्छा एनसीईआरटी का पकड़ होना चाहिए, तब उसके साथ आप तर्क वितर्क कर सकते हैं, तो थोड़ी बहुत आप उसको प्रभावित कर सकते हैं। बाकी धर्म का नशा अफीम के समान होता है, तो यह ध्यान रखें। तो हम बता रहे थे कि वहां जब हम तर्क वितर्क कर रहे थे तो वो आदमी क्या हमें कह रहा है कि बउआ ये जो तू बोले था ना कि भगवान न होवथिन, माने राम जी न होवथिन और हनुमान जी न होवथिन, ये सब काल्पनिक है, तो ये भगवान तोरे से बोलावे थथुन, माने ये भगवान कहे थथुन, ये तू न कहे था, ये भगवान कहे थथुन, ये सब लिखल है नियति में, ये तोरा से करवावे हथिन, कोई से कुछ काम करवावे थथिन तो कोई से कुछ काम करावे थथिन, तो ये सब भगवान करा रहे हैं, ये ध्यान से सुनेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है बस सर यही नियतिवादी, फुल कॉन्फिडेंस भगवान पे कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब नियति में लिखा हुआ है, सब जो है से कि लिखाइल है ऊपर मोटका कलमवा से, तो ऐसा विचारधारा कोई कहे तो सब
मत जाइए कि नियति बादी है। लेकिन कोई कोई ऐसा आदमी मिलेगा कि जो चीजें खराब है, जैसे सब लोग जानता है कि मांस मछली खाना खराब है, खूब नाच देखना, रंगीन मिजाज रखना, लौंडियाबाजी करना, ये सब खराब है। लेकिन बहुत सारे ऐसा आदमी को देखे होंगे कहते कि एकदम मिले थो तो मार ले, समझ रहे बात ना, एकदम जे माजा मिले तो माजा मार ले, एकदम यही में भलाई है, ये दूसर जन्म फरम पाप अपुण्य नहीं होता है। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो समझिए कि भौतिकवादी है, माने भौतिक सुख के ऊपर में खूब हावी है वो आदमी, और वो इतना फेरा में नहीं है कि भाई सब भगवान करा रहे हैं, भगवान में लिखल है, इस बार मुर्गा काट देव तो हमारा अगला बार मुर्गा बना देवल जाएगा, तो यह चलते मुर्गा नहीं हम काटेंगे, ये सब कुछ नहीं। मुर्गा लाओ, मुर्गा दारू मार के एकदम चोटा छुड़े ले, माने चपले है एकदम, तो समझ जाइएगा कि विचारधारा भौतिकवादी। अब यहां पे दो आदमी के बारे में अभी समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आराम से पहले हमारी भावना को समझ जाइए, फिर एनसीईआरटी खोलिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि जितने हवा बहती है ना कि टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी बहुत हार्ड होता है, हमें नहीं लगता है कि हार्ड, एकदम मजा आ जाएगा, खाली आप लेक्चर को सुनिए बस। चलिए ध्यान से सुनेंगे। आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक है इनका नाम है मखली घोषाल, और एक भौतिकीवादी विचारधारा को समझने के लिए एक और ऐसे ही शिक्षक की हम चर्चा कर रहे हैं, इनका नाम है अजीत केश कंबलीन, ये ध्यान से सुनेंगे, इनका नाम है अजीत केश कंबलीन, केश एक साथ ही रहेगा, अजीत केश कंबलीन, ये ध्यान सुनेंगे। इनका नाम में थोड़ी सी बात ये भी जानकारी के लिए मिलता है कि केश कंबलीन इसीलिए कहा जाता है कि ये अजीत जो थे इनका बहुत बड़ा बड़ा केस था, मैंने इतना बड़ा बड़ा केस था कि दिखने में कंबल के समान लगते थे, कंबल में मैंने केस में ही ओढ़ लेते थे, ये अलग बातें हैं, कंबल के जैसा ये लगे या कंबल के तरह केस को यूज करते होंगे, जिसके कारण इनका नाम पड़ा केस कंबलीन, ये ध्यान रखेंगे। तो अजीत केस कंबलीन के क्या विचार है भाई, ये इसी तरह के विचार मानते हैं कि दोबारा कोई जन्म उन्म नहीं होता है, कोई जो है कि आत्मा उत्मा नहीं होता है, ई जन्म उ जन्म ई वाला दुनिया दूसर दुनिया ये सब कुछ नहीं होता है, जो भी अभी आप को मिल रहा है उसका जो है से कि एकदम उपयोग करिए, एकदम एंजॉय करिए, एकदम आनंद लीजिए, कोई तरह के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये मखली घोषाल अलग बात कहेंगे, और ये चर्चा कहां से हमको मिला भाई, तो कहते हैं कि ये नियतिवाद और भौतिकीवादों को समझने के लिए या मखली घोषाल और केशकंबलीन की बात को ये तर्क वितर्क के रूप में अजात शत्रु कर रहा है। अब अजात शत्रु कौन है, तो पहले हम आपको बताए थे क्रम में कि अजात शत्रु वो है कोई जो बिंबिसार का लड़का है, और बिंबिसार के बाद ध्यान से सुनेंगे अगला मगध के जो उत्तराधिकारी के रूप में पढ़ेंगे, अगला राजा जो पढ़ेंगे वो है आपका अजात शत्रु, और इन्हीं के टाइम में तो पहली बहुसंगति हुआ है, तो अजात शत्रु के समय में बुद्ध जिंदा है, और डायरेक्ट हम जो बात आज पढ़ने वाले हैं वो बुद्ध से बात कह रहे हैं अजात शत्रु, ये ध्यान सुनेंगे। अब एनसीईआरटी में शत्रु मिलते हैं अजात शत्रु, और अब हम लोग बोलते हैं अजात शत्रु, कोई दिक्कत नहीं है, आप घबराइएगा नहीं। तो ये सूत्र पिटक से एक बात लिया गया है कि अजात शत्रु जो है वो बुद्ध से भाई बातचीत कर रहे हैं, और उसी बातचीत का वर्णन किसमें है, तो सूत्र पिटक में है, ये ध्यान सुनेंगे। सूत्र पिटक में अजात शत्रु और भगवान बुद्ध के यानी सिद्धार्थ गौतम कह लीजिए, ये गौतम बुद्ध कह लीजिए, इनके बीच में बात हो रहा है, और क्या बात हो रहा है इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो सूत्र पिटक में। यहीं से कहानी का जिक्र है, कहते हैं एक बार अजात शत्रु बुद्ध के पास गए, बढ़िया से समझिएगा बात को, कि अजात शत्रु जो मगध का राजा है, कौन है, मगध का राजा है, ये किनके पास गए हैं, तो बात को समझिएगा कि ये बुद्ध के पास गए हैं, और देखिए क्या कह रहे हैं, ये मखली घोषाल की बातें बताए। अब मखली घोषाल जो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है, ये अपना विचार देते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब जो है पहले से फिक्स है, नियति ने वो चीज पहले से तय कर रखा है, वही चीज इस धरती पे हो रहा है, तो ये तो भाई मखली घोषाल की बातें हैं, वही बातें जो है अजात शत्रु बुद्ध से कह रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं हालांकि बुद्धिमान लोग सदगुण तपस्या से कर्म प्राप्ति करने के फिराक में लगल है, माने जो बुद्धिमान लोग है अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं वो यही कहते हैं कि अच्छा कर्म करेंगे, तपस्या करेंगे, अच्छा कर्म यानी सद्गुण वाला, एकदम गलत तरह के काम नहीं करेंगे, अपने अंदर में एकदम पॉजिटिव चीज लाएंगे, गुणी आदमी हो जाएंगे, तपस्या करेंगे, तो भाई हमको जो है से कि
वो वाला मिल जाएगा मुक्ति, यानी जिसको हम लोग आमतौर पे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष को लेकर के हमेशा सभी धर्मों में जिक्र होता है, सारे धर्मों में मोक्ष के ऊपर में जोड़ दिया जाता है। मोक्ष का मतलब क्या होता है पहले इसको समझ जाएंगे, हालांकि पहले से बताते आ रहे हैं। मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म मरण से छुट्टी, यानी ये आत्मा होता है। इस बार अगर कोई हमसे पाप हो जाएगा तो अगला बार फिर जो है कि मनुष्य कुल में आना पड़ेगा। ये कई लोग को सुने होंगे कि मुर्गा काटेगा तो अगला जन्म में तोरा मुर्गा बना देंगे या फिर तोरा कोई काट देगा, समझ बात ना। तो ये जो कर्म हम लोग जानते हैं, तो अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति हो जाएगा तो ये जो बार बार अबरी मुर्गा बन जाएंगे कि अबरी बकरी बन जाएंगे कि फिर मनुष्य बन जाएंगे, ये सब जन्म मरण से क्या हो जाएगा, तो छुट्टी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया सर मोक्ष, लेकिन कई लोग ये समझते नहीं है। अब देखिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कई लोग का मतलब यही होता है कि जैसे हम अगर पाप कर रहे हैं तो पाप का ग्राफ हमारा बढ़ गया है एकदम, तो अगर हम पुण्य का ग्राफ नीचे है तो बुढ़ारी में खूब भक्ति भजन करके, माने हिंदू धर्म में है कि भक्ति भजन कर करके, तीन अलग मार्ग है जिसके बारे में हम आपको भक्ति आंदोलन पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे हिंदू धर्म में मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जैन धर्म में पूरा कठोर से कठोर शरीर को कष्ट दे करके, त्याग तपस्या कर करके, बौद्ध धर्मों में ही कुछ इस तरह की बातें हैं कि आपको मठ में रहना जरूरी होगा, तपस्या करना पड़ेगा। विनय पिटक के हिसाब से जो खास करके मठ में रहा कैसे जाता, उसके नियम को फॉलो करना पड़ेगा। यानी जब तक आप विहार यानी मठ में नहीं रहिएगा आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगा। तो अलग अलग धर्मों में मोक्ष प्राप्ति के लिए अलग अलग बातें कही गई है, लेकिन सारे लोग ये समझते हैं कि अगर हम जो पाप किए हैं अगर कुछ दिन अच्छा कर्म कर लेंगे, किसी को मदद कर देंगे, दान दक्षिणा देंगे, पुण्य का काम कर लेंगे, तो हमारा पाप और पुण्य का जो ग्राफ है वो दोनों समान हो जाएगा, फाइनली हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें हैं जो लोगों के जहन में भी चलते रहते हैं। अब यहां ध्यान से सुनेंगे, ये बात आजाद सत्तू कह रहे हैं, किनकी बातें, तो मखली गोशाल की बातें कह रहे हैं। किनसे कह रहे हैं, तो बुद्ध से कह रहे हैं। इतनी बातें ध्यान में रहना चाहिए कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो सद्गुण तपस्या से कर्म प्राप्ति करने के फेरा में है, और जो मूर्ख लोग हैं वो भी धीरे धीरे इसी तरह के काम कर रहे हैं, और मूर्ख भी मुक्ति का उम्मीद कर रहा है। मतलब मूर्ख भी चाह रहा है कि हमें भी मुक्ति मिल जाएगा, हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा, जैसे विद्वान लोग कर रहे हैं उन्हीं के देखा देखी वो भी काम एकदम अपने ले। ये बातें ये अपनी बात भी नहीं कर रहे हैं अजातशत्रु, इनको बताए थे कौन, तो इनको बताए होंगे मखली गोसाल, तो ये मखली गोसाल की बातें बुद्ध से डायरेक्ट अजातशत्रु उनके पास जाके बता रहे हैं। इसके बाद आगे कहते हैं कि सुख और दुख पूर्व निर्धारित मात्रा में माप करके दिए गए। बढ़िया समझेंगे, जो सुख है और जो दुख है ये दोनों पहले से ही निर्धारित मात्रा में माप कर करके सबको मिला है, ना तो इसको कोई कम कर सकता है ना तो इसको कोई बढ़ा सकता है। बढ़िया से समझेंगे, एक कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि चाहे आप मूर्ख हो, चाहे आप ज्ञानी हो, चाहे कोई बुद्धिमान है, चाहे एकदम महामूर्ख है, कोई भी संसार में आदमी आ जाए उसको सुख भी है और उसको दुख भी है। यानी सुख भी एकदम मापले है, माने जितना नियति में सुख लिखल है ओकरा से ज्यादा आपको सुख नहीं होगा, जितना नियति में दुख लिखल है ओकरा से ज्यादा या कम भी दुख आपको नहीं होगा। यानी जितना लिखल है उतना तो आपको भोगे पड़ेगा। लेकिन इन सबसे एक हम भी जीवन यापन करते हैं, तो एक चीज तो हम प्रॉपर ढूंढते हैं कि थोड़ी सी बौद्ध धर्म वाली बातें थोड़ा सा सब मिक्स कर दो। ये सही बात है कि अगर तुम बुद्ध के तरह ज्ञानी भी हो जाओगे या संसार में रहोगे तो कभी ना कभी तो दुख होगा, ये पापी दुनिया आपको जीने नहीं देगी, कोई ना कोई तो आलोचना आपको करेंगे, सब लोग आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तो बहुत तरह की बातें यहां बोलेंगे तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ये ऑफलाइन में ही हम लोग चर्चा के विषय में डिबेट टाइप के अपना करते हैं जिसमें बच्चा भी बोलते हैं उसको उत्तर देते हैं, यहां तो केवल हम ही को बोल रहे हैं तो थोड़ा सोच करके ही बोलेंगे तो ठीक है। अब हम एक काम कर रहे हैं कि यदि आपको ज्यादा सुख का आनंद मिले तो वहां थोड़ा सा आप उसको छोड़िए, मतलब सुख त्याग, हम ये नहीं करें कि पूरी सुख त्याग कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं 10 गो बच्चे हैं और हमेशा 10 बच्चे के या 5 बच्चे के बीच में आप एकदम आनंद ले रहे हैं, पूरा एकदम फ्रेंडशिप वाला मजा ले रहे हैं, एकदम कहूं चल गए हैं किसी के बारे में चर्चा निकल गया है, अंड संपत्ति ले चल जा रहे हैं, खूब आनंद आता है आपको, खूब हंसी आती है, खूब मजा आता है, और घंटों घंटों ऐसे निकल जाते हैं जिसे पता भी नहीं चलता अरे सांझ हो गया क्या, एकदम सांझ हो गया,
समझ रहे बात ना, शाम ढल जाती है कब पता नहीं चलता है, तो उसमें बड़ा मजा आता है। लेकिन जितना मजा लोगे बाबू, हमको लगता है कि दुख तुरंत आपको उतना ही आने वाली है। हो सकता है कि घर पे जाओ दो चार डांट लग जाए, छोटे होंगे तो दो चार सपक्का लग जाएगा, सोटैया हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसे कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हो जाएगा कि तुरंत वो सारे सुख जो है वो दुख में बदल जाए। लेकिन हमें लगता है कि दुनिया के चीजों को समझिए, और समझने के बाद अगर ज्यादा सुख मिले आपको तो उससे थोड़ा सा हटिए, नहीं शाम होने वाला है, अब ज्यादा मजा नहीं करना चाहिए, अब हमको पढ़ लेना चाहिए, कल होमवर्क करके जाएंगे तो टीचर नहीं मारेंगे चाहे डांट नहीं सुनेंगे वो। तो थोड़ा सा अगर आप सुख से निकलेंगे तो दुख आपको बहुत ज्यादा नहीं होगा, आप अपने आप को पूरा वर्क करके जाएंगे, पूरा काम करके जाएंगे, या तो होमवर्क है या किसी भी तरह की जिम्मेवारी हो उसको अगर करेंगे तो करने में तो कष्ट होता है, जैसे अभी आपको पढ़ने में भी तो कष्ट होगा, मन चाप के पढ़ रहे ना तो यूट्यूब पे दो गाना नहीं सुन लेंगे भोजपुरी, समझ रहे बात ना। तो वही चीज होता है, ये करने में तो हल्का कष्ट हुआ लेकिन हल्का कष्ट देंगे तो हल्का सुकून भी मिलेगा, आपका चैप्टर का नोट्स बना लेते हैं एकदम बढ़िया से मजे से, तो थोड़ा सा कष्ट होता है, मन नहीं करता है, काहे कि सब अच्छा काम है, लेकिन जब ये होगा तो अंदर से खुशी मिलेगा, इतना चैप्टर का नोट्स बन गया, इतना वीडियो लेक्चर्स फाइनल कर लिए, यहां से कहूं से कोई पूछ ले एकदम ओके है। तो ऐसे सभी जगह पे, तो यहां हम बात कर रहे हैं मखली घोषाल की बातें, या जहां शत्रु बुद्ध से कह रहे हैं कि दुख और सुख जो है ये सब निर्धारित है, जितना मात्रा में है उतना ही किसी को मिलेगा, और संसार में इसको बदला भी नहीं जा सकता, याद ध्यान से सुनेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई आदमी हमेशा सुखी हो या फिर कोई आदमी हमेशा दुखी हो, ये सबको मिला है बराबर बराबर, और कितना मिला है ये तो ऊपर वाला जानते हैं, इसको ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही तो इसको घटाया जा सकता है, या फिर कोई मूर्ख हो या फिर कोई विद्वान हो, इन दोनों को इन दोनों रास्ता से ही जाना होगा, ये ध्यान से सुनेंगे, चाहे वो मूर्ख है चाहे विद्वान हो, इन सबको गुजरना पड़ेगा, चाहे भारत के बड़े बड़े बाबा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक भिखारी आदमी देश का हो, चाहे एक लुल्हा आदमी हो, सब लोग, कभी एक लुल्हा को देखिएगा तो आपको माया लग जाएगा कि बेचारा कैसे जीवन चलता होगा, जिसके मान लेते हैं कि हस्बैंड नहीं है, जिसके पांच बेटियां हैं, पांच बेटियां में से एक बेटी आंधर है, दो बेटी अपाहिज है, आप ऐसे परिवार को देखिएगा तो ऐसे परिवार को देखने के बाद लगे कि बात सारे दुख के पहाड़ तो इसी के ऊपर में गिरा हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं है, वो भी उनको उसी परिस्थिति में कभी ना कभी खुशी भी मिलती है, ऐसी बात नहीं है कि वो केवल दुख में ही रहते हैं, और ऐसे भी बात नहीं है कि वो हमेशा ऐसे दुखी रह सकते हैं, उनको भी दुख मिलेगा ही मिलेगा, तो दुख से कोई बच नहीं सकता है, इसलिए घबराना एकदम नहीं है, कोई भी चीज को लेके आ जाए कि दुख आ जाए तो कोई घबराने वाली बात नहीं। अब यहां तक हम लोग पढ़ लिए, ये जो बातें हम पढ़ाएं आपको ये मखली घोषाल की बातें बुद्ध को सुना रहे हैं कौन, अजात शत्रु। अब आते हैं, याद रखेंगे, एक और गुरु जिनका नाम है अजीत केश कम्बलिन, इनकी भी बातें बुद्ध को सुना रहे हैं, लेकिन इतने पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि बुद्ध के तरफ से जो जवाब आया है उसको आपको पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, ध्यान सुनेंगे, केवल अजात शत्रु जो कह रहा है वो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्ध क्या बदले में जवाब दे रहे हैं इसकी चर्चा इसमें नहीं है, तो वो हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे एक गुरु का नाम जिसका नाम क्या है, अजीत केश कम्बलिन, बताए थे कि ये किसको सपोर्ट करते हैं, भौतिकवादी के, ये नहीं मानते हैं कि आत्मा भी होता है, पुनर्जन्म होगा, सुर बात ना, ये बार में गलत काम कर दिए हैं तो अगला बार में हमको कष्ट मिलेगा, जैसे आप लोग बचपन में सुने होंगे कि गलती काम करेगा तो ऊपर वो अथी रहते हैं धर्मराज के कोची तो बोलता है कढ़िया में घोलटा घोलटा मारते हैं एकदम त्रिशूल भोग करके, एगो तो फोटो भी हम लोग बचपन में देखते थे कि यमराज है नीचे डंडी मारा है तो ऊपर जा कर करके वो यमराज जी का करेगा ओकरा दहिया में से मांस निकालेंगे काटेंगे, देखने के बाद आदमी में डर लगे और ये सब ठग ठगोवल वाला काम नहीं करे, तो उस तरह की बातें कुछ नहीं होती है, ये किनके विचार के हिसाब से, अजीत केश कम्बलिन के हिसाब से। अब अजीत केश कम्बलिन जो है वो अजात शत्रु राजा को क्या कहे हैं, वही बात अजात शत्रु बुद्ध से कह रहे हैं, कह रहे हैं हे राजन, दान यज्ञ या चढ़ावा जैसे कोई चीज नहीं होता, ये ध्यान से सुनेंगे, मने केश कम्बलिन, अजीत केश कम्बलिन कह रहे हैं अजात शत्रु से, और वही बात अजात शत्रु ने बुद्ध से कहे, क्या कह रहे हैं कि हे राजन, मतलब हे राजा,
दान यज्ञ चढ़ावा जिसको हम बहुत बड़ा चीज मानते हैं कि सद्गुण है, अच्छा कर्म का ये सब पहचान है, तो ये केशकमलिन का विचार है कि दान यज्ञ चढ़ावा जैसे कोई चीज जो है नहीं होता है इस दुनिया, ये दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज नहीं है। मतलब हम लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग गाँव में सुने होंगे कि हम लोग ये दुनिया में रही थी, एक वाव दुनिया होता है, दूसर दुनिया में भी लोग होते हैं, वहां भी दुनिया में ऐसे ऐसे होता है। तो केशकमलिन कह रहे हैं कि दूसरी दुनिया जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, मनुष्य चार तत्वों से बने हैं, हालांकि पंच तत्वों के बारे में हम लोग करते हैं लेकिन यहां चार तत्व है, चार तत्व ध्यान सुनेंगे। ये केशकमलिन के विचार है कि मनुष्य चार तत्वों से बना है और इसी चार तत्वों याद रखेंगे, जब वो मरेगा तो अलग अलग जो अंश है शरीर का वो अलग अलग जगह पे चला जाएगा। जैसे मिट्टी का अगर अंश है वो पृथ्वी में चला जाएगा, जल का अंश जल में और गर्मी का अंश गर्मी में, सांस का अंश वायु में चला जाएगा और इंद्रियां जो है वो एक तरह से अंतरिक्ष में समा जाएगी। याद रखेंगे, यानी यहां पे जो बात दी गई थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, यानी जो इंद्रियां है, एक मिनट, इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाएगी। ठीक है, यही बातें आपके बुक में लिखी गई हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको समझाने की बात कर लें, और भी बात है कि दान देने वाले देने की बात जो है वो मूर्खों का सिद्धांत है, ये ध्यान सुनेंगे। अजीत केशकमलिन करें कि दान देने का जो ये सिद्धांत है कि भाई दान देने से अच्छा होता है, अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको पुण्य होगा, तो ये सब मूर्खों का ही सिद्धांत है। ये अजीत केशकमलिन कह रहे हैं ये सब खोखला झूठ है, मूर्ख विद्वान दोनों कट कर नष्ट हो जाते हैं। मतलब चाहे कोई संसार में मूर्ख हो, चाहे कोई संसार में आप विद्वान हो, लेकिन दोनों वास्तविकता यही है कि दोनों जो है वो मरना तय है, दोनों मर जाएंगे कट करके नष्ट हो जाएंगे। कट करके नष्ट माने रेलवैया से कट के नहीं, यानी उनका जो शरीर है वो नहीं रह सकता है, चाहे विद्वान का शरीर हो चाहे मूर्ख का शरीर हो, दोनों का शरीर अंततः कट करके नष्ट होगा। माने जे एकदम मिला है खूब मजा ले लीजिए, अजीत केशकमलिन जी के हिसाब से इसी को कहते हैं भौतिकीवाद। तो भौतिकवादी, इसको याद रखेंगे ये दो कॉन्सेप्ट, एक अजीत केशकमलिन के बारे में और एक मखली गोसाल के बारे में, दोनों बारे में जो बातें थी इन बातों को अजातशत्रु ने, यानी अजातशत्रु ने किसको सुनाए हैं, तो बुद्ध के। लेकिन बुद्ध के तरफ से क्या जवाब आया इसमें हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं। अब लौकिक सुखों का के आगे हम लोग अगला टाइटल है जिसमें महावीर के संदेश पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम छोड़ रहे हैं थोड़ी सी, इसको बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम आपको एक वीडियो डालेंगे अगले दिन, जैन धर्म के इतिहास पढ़ाएंगे, तब जैसे बौद्ध धर्म के इतिहास पढ़ा के आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आपको आता है, उसी तरह से जैन धर्म भी आपको समझना है। महावीर त्रिरत्न के बारे में आप पढ़ेंगे, सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण, बहुत सारी चीजें हैं, पंच महाव्रत को पढ़ेंगे, जैसे बुद्ध भगवान से जुड़ी कहानियां हैं थोड़ी बहुत, वैसे थोड़ी बहुत कहानी आपका जैन धर्म में महावीर से जुड़ी है, उनसे पहले उनसे बात की भी बातें जानेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ दिए, लेकिन नीचे में एक और कहानी दिया हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दे। कहते हैं कि टाइटल है महल के बाहर की दुनिया, बहुत छोटा है, अभी कभी जाइएगा नहीं, इसको समझ लीजिएगा, खत्म ही हो रहा वीडियो, बस दो मिनट लगेगा। महल के बाहर की दुनिया ये टाइटल है, और कहते हैं कि जैसे बुद्ध के जो उपदेश दिया गया था तो उनके जो शिष्य हैं उनके उपदेशों का संकलन कर दी, जैसे आनंद जो है बुद्ध के उपदेश का संकलन किए, मठ में कैसे रहा जाता था तो बुद्ध के टाइम में जो रूल रेगुलेशन थे, नियम कानून थे, उसको एक पिटक में रचना कर दिए जिसको विनय पिटक कहते हैं उपाली के द्वारा। तो उसी तरह से महावीर स्वामी भी आएंगे, जैसे बुद्ध हैं वैसे महावीर हैं, इनको भी ज्ञान की प्राप्ति होगा। बुद्ध को तो 6 साल तपस्या करने पड़ेगा, इनको 12 साल तपस्या करना पड़ेगा। ये 29 साल के उम्र में घर छोड़े थे, 31 साल के उम्र में घर छोड़े थे। जब अगले दिन जैन धर्म पढ़ाएंगे तो आपको प्रॉपर ढंग से पढ़ा देंगे, ठीक है। अंतिम तीर्थंकर है 24वें तीर्थंकर, तीर्थंकर क्या होते हैं नहीं होते हैं, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है, ये सब पढ़ा देंगे, तो फिर आपके बुक आसान हो जाएगा। चलिए ध्यान सुनेंगे। उसी तरह से महावीर के भी जो शिष्य है, उनका जो चेला चपाटी है, स्टूडेंट है, वो उनके मृत्यु के बाद उनके उपदेश को क्या कर दिए, तो संकलन कर दी, और इन उपदेशों को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया। और ये प्रस्तुत कहानियां जो होते थे वो आम लोगों को बड़ा ही आकर्षित करते थे, जिसमें एक आपका कहानी है, ये कहानी लिया कहाँ गया सर, तो ध्यान से सुनेंगे, उत्तराध्यायन से लिया गया है, उत्तराध्यायन सूत्र नामक एक ग्रंथ है, और इसी ग्रंथ से एक कहानी लिया गया जो अभी तुरंत सुना देंगे, खत्म हो जाएगा। इसमें दो पात्र हैं, एक पात्र है कमलावती और दूसरा कमलावती के पिता, सॉरी
पिता बोल रहे हैं पति, हस्बैंड, हस्बैंड उनके राजा हैं। तो जब हस्बैंड उनके राजा हैं तो कमलावती क्या हो गई, तो महारानी हो गई। ध्यान से सुनेंगे, कमलावती महारानी है और उनके हस्बैंड क्या है, तो राजा है। अब ये पूरी के पूरी इस कहानी में समझाना चाह रही कमलावती अपने पति को कि ये सारी राजपाट छोड़ दीजिए और संन्यास अपना लीजिए। मैंने आज तक देखे कि लड़का जो है संन्यास के पीछे पागल हो रहा है, लेकिन इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि उनकी पत्नी जो है वो अपने पति से आग्रह करे कि पूरी राजपाट त्याग कर दीजिए और हम लोग चलते हैं कहां, तो भाई संन्यास लेने के लिए। ये जो कहानी है अभी हम आपको एनसीईआरटी के भाव से समझाते हैं, थोड़ी सी आपको टाइम बस देना है, ज्यादा नहीं, वीडियो खत्म ही हो रहा है। चलिए ध्यान सुनिएगा, कहते हैं कि अगर संपूर्ण विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा। ये ध्यान सुनेंगे, इनकी पत्नी यानी कमलावती कह रही है, कमलावती अपने हस्बैंड से कह रही है, क्या कह रही है कि अगर संपूर्ण विश्व के सारे क्षेत्र मिल जाए, सारे विश्व के खजाने मिल जाए, लेकिन तभी भी तुमको संतोष नहीं होगा। अपने हस्बैंड को कह रहे हैं यानी राजा से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, नहीं यह सब कुछ तुम्हें बचा पाएगा। थोड़ी सी झिलमिला रहा है, लाइट जल रहा है इसीलिए देख नहीं पा रहे बुक की छोटी छोटी लाइनें। ध्यान सुनेंगे, कह रहे हैं कि नहीं ये कुछ आपको क्या कर सकता है, बचा सकता है, यानी मृत्यु जो है वो सत्य ही हो है, इससे आपको कोई नहीं बचा सकता है। हे राजन सब तुम्हारी मृत्यु हो, हे राजन जब तुम्हारी मृत्यु होगी और सब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही होगा और कुछ भी नहीं, तुम्हारी यही रक्षा करेगा। मतलब जो है अगर मृत्यु आएगा तो ये जितने भी आप क्षेत्र, बड़े बड़े क्षेत्र जीते हैं, बहुत सारे खजाने इकट्ठा किए हैं, ये सब कुछ पीछे ही छूट जाएगा, यानी यही रह जाएगा, आपके साथ ये नहीं जाएगा और कोई आपको रक्षा भी नहीं कर सकता। अगर कोई रक्षा करेगा या आपकी जो चीजें रह जाएगी वो क्या है, तो सिर्फ और सिर्फ धर्म। अभी धर्म का मतलब ये नहीं समझिएगा कि धर्म का मतलब वही अलग अलग धर्म तो रीति रिवाज पालन करे पड़ेगा वो धर्म हो गया, नहीं। धर्म का मतलब होता है, सच्चे धर्म का मतलब होता है एक अच्छा कर्म करना, कि अगर आप अच्छा कर्म करते हो, ये सब राजपाठ में क्या है, आप राजपाठ अपनाइएगा तो आज आपका मान लेते बिहार इतना क्षेत्र है तो सोचिएगा पूरा भारत इतना क्षेत्र हो जाए, फिर सोचिएगा कि पाकिस्तान वाला के मार देते हैं, ओकर हड़प लेते हैं, तो इसमें तो हड़पा हड़पी में तो लोभ लालच ये सब बढ़ जाएगी, तो अच्छा कर्म कहां हुआ, तो ये धर्म ही नहीं हुआ, सच बात ना। तो धर्म कभी आपको अमानवीयता टाइप का नहीं बनाता है, तो यही कह रहा कि केवल और केवल तुम्हारा क्या रह जाएगा, तो धर्म ही रह जाएगा, धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। अब यहां पे एक लाइन बोल रही महारानी, जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूं। कितनी बड़ी लाइन है महारानी बोल रही है कि जैसे एक चिड़िया जो होता है वो पिंजरे से नफरत करती है, भाई एक पिंजरे में अगर चिड़िया को आप बंद कर करके रखेंगे तो वो पिंजरे से चिड़िया क्या करेगी, नफरत करेगी, वो संसार नहीं देख पा रही है लेकिन संसार देखना चाहती। तो महारानी कहती है कि जैसे कोई चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है आज वैसे ही मुझे इस संसार से नफरत है। संसार से मतलब है कि मतलब क्या ब्रह्मांड में चल जाएगी, नहीं, संसार से नफरत का मतलब जो संसारिक सुख सुविधा है, जैसे आज के सुख सुविधा के हिसाब से बता दे कि हर आदमी को लगता है कि हमको एसी चाहिए, फ्रिज चाहिए, हमको चार चक्का गाड़ी चाहिए, ये सब क्या है, यही संसार है। संसार के सुख को ही कह रही है, ऐसे नहीं कि संसार से ही उठ जाएगी या कहीं चांद पे चल जाएगी, ये समझ रहे बात ना, भावना को धरिएगा। तो इस संसार से मैं नफरत करती हूं जैसे कि कोई चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, ठीक उसी तरह से संसार से। अब ये क्या करे, मैं बाल बच्चे को जन्म ना देकर निष्काम भाव से बिना लाभ की कामना और बिना द्वेष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। मतलब उनकी महारानी कह रही है कि हम बाल बच्चे को जन्म नहीं देंगे, एक साध्वी की तरह, न तो लोभ लालच ये सब हमको कुछ नहीं चाहिए, और हम आप बिना एकदम जैसे कि लोभ लालच की कामना करते हुए एक साध्वी की तरह जीवन बिताएंगे, यानी प्रॉपर सन्यासी बनना चाहती है महिला। कह रही है कि जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हैं पक्षियों की तरह। ये ध्यान सुनेंगे, स्वतंत्र पक्षियों की तरह उड़ते हैं, जैसे वायु यहां से वहां चली जाती है, ठीक वहां यहां से वहां। अब जैसे बाल बच्चा हो जाता है तो देखिएगा कि जो आदमी गृहस्थ जीवन में है, अब कहूं चलियो जाते तो चिंता होता है कि बाल बच्चा है, मेहरारू है, दो पैसा दीजिएगा नहीं तो कैसे काम होगा, तो कहीं चल जाइए तो टेंशन ले ले रही। लेकिन जब विवाह नहीं करेंगे, ये सब बाल बच्चा नहीं होगा, तो कोई चिंता नहीं, जहां सांझ वह बिहार। तो एकदम जैसे वायु चलते रहती है वैसे एकदम पूरा मन एकदम उड़ेले रहना है, एकदम चिड़िया की तरह इधर से उधर, असली जीवन तो वही है।
कहते हैं इस विशाल राज्य का परित्याग करो। अपने पति से कहती है कि ये विशाल जो क्षेत्र है तुम्हारे, इन सब का तुम क्या कर दो, त्याग कर दो। इंद्रियां सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रही बनो, तत्पश्चात तेजस्मय से घोर तपस्या करो। मतलब अपने पति को कह रही है कि ये पूरे राजपाट को आप त्याग दीजिए, आप अपरिग्रही बनिए। अपरिग्रही क्या होता है, जब हम आपको जैन धर्म का इतिहास पढ़ाएंगे तो पंच महाव्रत आएगा, उसमें एक आएगा अपरिग्रह, यानी ज्यादा धन इकट्ठा करके रखना जैन धर्मों में समझिए एक तरफ से पाप ही है। यानी ज्यादा धन नहीं इकट्ठा करके रखना होता है, आपको पांच व्रत करना है, उसमें एक ये भी व्रत होता है। तो वही कह रहे कि राजा तुम अपरिग्रही बनो, अतिरिक्त अनाज के फेरा में नहीं रहो, अतिरिक्त धन लालच की सब नहीं करो, अपरिग्रही बनो। और ये संसार के जो सुखमय है, ये जो ज्ञान इंद्रिया जिसको सेंसस कहते हैं, तो इस ज्ञान इंद्रिया से अपना नाता जो है वो तोड़ लो। माने जो आंख कान नाक जीभ त्वचा ये सब जो चीज है, बड़ा आनंद लेना चाहता है, इसी सबसे आपको सुख दुख फील होगा, इस सबसे नाता तोड़ कर करके आपको तपस्या करना है, आप तपस्वी बनो। ये महारानी कह रही है, यानी पूरी कहानी से पता चलता है कि महारानी फोकस कर रही है राजा को कि वो भी एक साधु बन जाए, और खुद साध्वी बनने के लिए तो पूरा का पूरा ही बेचारी प्रेरित है। ठीक है, तो ये कहानी था, बड़ा आराम है, आराम आराम से आप समझते चलेंगे, बहुत सारे चीज आपके अंदर में भावना डेवलप होगी। बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, आपका दिन शुभ हो। अगर अभी तक लाइक नहीं किए थे तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।